तो आवाज अब तो आ ही रही होगी आप लोगों को। तो एक बार सभी लोग लिंक को शेयर कर दें और जैसे कि सेशन फिर हमारे लोग का जल्दी जल्दी स्टार्ट करा जाए। और यहाँ पर आज हम लोग ज़बरदस्त क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए हैं और इन सारे क्वेश्चन को कैसे जल्दी करना है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, सिंप्लीफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जैसा कि आपको पता भी है, यहाँ बोर्ड पर भी आपको दिख रहा है मैथ्स का प्रैक्टिस बैच ये चल रहा है, वो भी चैप्टर वाइज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो जैसा कि अभी तक आपने लेक्चर में देखा, आपने सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले आप सभी लोग एक बार लिंक को शेयर कर दें जिससे सारे के सारे लोग यहाँ पर जुड़ जाएं और लगातार आप प्रैक्टिस करते चलिए। प्रैक्टिस एक बेस्ट वे है आपका, जैसे रिविज़न होता रहे बाकी आप पढ़ते भी रहें। बहुत सारे हमारे लोग के जो कोर्सेज हैं उसको भी आप देख सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और बाकी हमारे साथ यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक बार जोरदार तरीके से लिंक को शेयर कर दें हर जगह जिससे सभी लोग जुड़ जाएं यहाँ पर। तो सभी का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो ये क्वेश्चन है इस टाइप में, तो क्वेश्चन नंबर 24। तो पहला काम क्या रहेगा, वैसे ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। आपका लेक्चर नंबर 3 है, जो लोग अभी तक लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 नहीं देखे हैं तो उन लेक्चर्स को जरूर देखिए। हम लोग यहाँ प्रैक्टिस के माध्यम से लगभग 150 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के पूरे सॉल्व किए जाएंगे और यहाँ से आपके एग्जाम में 100% आपका फंसेगा और आपकी स्पीड भी लगातार बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो चलिए टाइमर आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट हो चुका है और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टाइमर के माध्यम से टाइम लगाकर हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब और उसके बाद फिर हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसका क्या बेस्ट तरीका होगा जैसे इन क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, x बराबर 11 दे रखा है, तो x की पावर 5 माइनस 12 x की पावर 4 प्लस 12 x क्यूब माइनस 12 x स्क्वायर प्लस 12 x माइनस 1 का मान क्या होगा, ठीक है। ये SSC के एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट एक क्वेश्चन मैं अपने से भी दूंगा जिससे आप देखेंगे कि कैसे हम जल्दी से इसको लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए जो लोग को भी आंसर पता है आप बताइए, फिलहाल मैं इसके बाद जो आपको बताऊंगा तो आप 100% जिनको कुछ भी नहीं आता वो भी इसका आंसर 2 सेकंड के अंदर दे सकते हैं, ठीक है। गलती से भी अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो काफी टाइम टेकन हो जाएगा, शायद 3 मिनट 2.5 मिनट भी लग जाए, 4 मिनट भी लग जाए, ठीक है। इसको आप बेसिक से करोगे तब भी आपका मिनिमम आपका 45 सेकंड 40 सेकंड तो आपका लग ही जाएगा, लेकिन एक तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूं, यहां पर आप विद इन 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग का आंसर आ गया होगा। लेकिन आंसर आने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि हर क्वेश्चन में आपका कमांड क्या होना चाहिए, कैसे आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, वो चीज आना जरूरी है, आता तो सभी को है। तो हमारे साथ जुड़ने का फायदा यही है यहाँ पर कि आपको हर टाइप के क्वेश्चंस में आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। और अभी तो बहुत लंबा सफर है, अभी तो हम लोग ने लेक्चर 3 आज स्टार्ट किया है, अभी बहुत बहुत अच्छी चीजें यहाँ पर पढ़नी है जो आपको काफी लोगों को नहीं पता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर मान लीजिए मैं ध्यान से देखा, एक बार मैंने होता नहीं क्वेश्चन को स्कैन किया, मुझे पता चल गया कि यहाँ पर हमारा आंसर क्या आने वाला है, तो मैंने तुरंत देखते ही बता दिया इसका आंसर क्या आएगा, 10। तो मैंने 2 सेकंड के अंदर आपका इसका जवाब दे दिया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुझे रटा था, ऐसे ही आप भी करोगे, बस एक बार मैं जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसका लॉजिक क्या है, इसका अप्रोच क्या है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर एग्जामिनर जब ऐसे क्वेश्चन देगा, इनफैक्ट x की पावर 7 से भी स्टार्ट कर सकता है, यहाँ पर x बराबर जो 11 दिख रहा है ये x बराबर आपका 213 काफी बड़ी बड़ी वैल्यूज भी दे सकता है। सीधी बात है, अगर इतनी बड़ी वैल्यूज देगा तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा यहाँ पर सारी वैल्यूज कट रही होंगी, ठीक है। तो
हम लोग डिटेल में नहीं आते, मैं डायरेक्ट आपको इसको लॉजिक पर ले चलता हूँ, नेपाल वाले डिटेल में जाऊंगा तो इसमें भी काफी टाइम जाएगा। तो देखिए इसका अप्रोच क्या होता है, तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज क्या कि यहाँ पर जो x की पावर है, x की पावर जो है आपका यहाँ दिख रहा है ना 5, फिर 4 दिख रहा है, फिर 3 दिख रहा है, ये पावर जो होनी चाहिए ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। आपने एक बार देखा सारे पावर्स क्या हैं, 5, 4, 3, 2, 1, यहां तक आपको देखना है, बाकी ये कांस्टेंट कुछ भी हो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पहला स्टेप। दूसरी चीज, आपका जो यहां पर साइन होना चाहिए वो आपका अल्टरनेट साइन होना चाहिए, ठीक है, एकांतर क्रम में आपका साइन चलना चाहिए, प्लस माइनस ऐसा। इसका साइन कुछ भी हो, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, मेन हमारा टारगेट होगा एक्स तक की वैल्यूज को देखना। दो चीजें आपको समझ में आ गई। तीसरी बात ध्यान समझिएगा, तीसरी बात जो होगी, जो भी एक्स की वैल्यू यहां दिया होगा इससे एक ज्यादा, 11 है तो यहां देख रहे होंगे 12, यहां भी 12, यहां भी 12, यहां भी 12, अगर यहां 213 देता तो यहां लिखता मैं 212 सॉरी एक ज्यादा होगा ना, अगर मैं यहां पर 213 लिखता तो यहां क्या होता 214 मतलब ऐसा अगर होता। तो आपको समझ में आ गया, फिर से बता दूं, पावर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, दूसरा साइन अल्टरनेट होना चाहिए, तीसरी बात यहां पर जो भी वैल्यूज होगी इससे एक बड़ा होना चाहिए, बस यही आपको देखना था। तो तीन बातों का आपने ख्याल रखा, और उसके बाद फिर क्या करना है ध्यान दीजिएगा, जो भी यहां पर x की पावर 1 है इसका आपको ध्यान रखना है, इसका साइन का, इसका साइन क्या है, इसका साइन प्लस में है। तो ध्यान रखिएगा, हमें इसको 11 की वैल्यू यहां रखने की जरूरत ही नहीं है, मैं यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू डायरेक्ट देखकर बता सकता हूं, कैसे समझिएगा, अगर मैं इसको पूरा 11 रखकर सॉल्व करूंगा ओवरऑल लास्ट में हमारा आंसर क्या आएगा, ये आपका प्लस में है तो हमारा ये आएगा प्लस में, प्लस में कितना जो भी ये वैल्यू दी गई होगी प्लस 11, अगर यहां माइनस होता तो मैं माइनस 11 रखता, कांस्टेंट जो भी होगा उसको भी लिख लीजिए -1, तो हमारा आंसर क्या आ गया 10। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन, आप 2 सेकंड के अंदर इसको कर सकते थे, तो इस तरीके से आप अपनी स्पीड बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और इसके बाद में एक क्वेश्चन इस पे और दे रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है और उसका जवाब आप देंगे, ठीक है। इसमें मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा, क्योंकि भाई हर स्टूडेंट का ख्याल है मुझे, जो भाई अच्छे स्टूडेंट हैं वो तो तुरंत बता ही देंगे, लेकिन जो थोड़े वीक हैं, कैलकुलेशन भी उनका थोड़ा सा वीक है, तो वो आराम से टाइम लेकर बताइए, 10 सेकंड भी काफी ज्यादा टाइम है इन सारे क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और यहां पर मैं आपको टाइम दे रहा हूं और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए तो 10 सेकंड का टाइम है और इसका जवाब फटाफट दीजिए जल्दी से। चलिए आपका टाइम हो गया, अब यहां पर इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ठीक है, देखा जाए। हर चीजें कंडीशंस को देखिए फुलफिल कर रहा है, हाँ पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, अल्टरनेट साइन है, ठीक है, उसके अलावा 12 से ये एक ज्यादा हो रहा है, तो x की वैल्यू किसमें है, प्लस में है, तो यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस 12 -1, आंसर 11, आंसर क्या आएगा 11 आ जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब इसी पे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन आपको और दे देता हूं, थोड़ा सा बड़ी वैल्यू, क्योंकि ये तो मान लीजिए एग्जाम में पूछा गया था, इतनी बड़ी वैल्यू पूछा नहीं गया, लेकिन मैं आपको यहां पर देकर आपसे पूछता हूं। मान लीजिए मैंने पूछा यदि x बराबर क्या 217, सोचिए इतनी बड़ी वैल्यू दे दिया गया, और यहां मैंने आपसे पूछा तो x की पावर 6 -218 x की पावर 5 +218 x की पावर 4 -218 x क्यूब +218 x स्क्वायर -218 x, ठीक है, -200, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, ठीक है। तो मैंने ऐसे दिया, इसमें मैं ऑप्शन कोई नहीं दूंगा, आपको क्या करना है, कमेंट करके इसका जवाब देना है, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए, 15 सेकंड का टाइम है, और इसका आंसर क्या आएगा, इसका मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, अगर लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं आपका आंसर जल्दी आ जाना चाहिए, जल्दी आंसर आ जाना चाहिए, जल्दी से फटाफट बताइए, और टाइम आपका हो चुका है, ठीक है भाई। 10-15 सेकंड का मतलब क्या, दिया थोड़ा सा बोला बस हो गया खत्म, टाइम बताइए जल्दी से फटाफट आंसर क्या आएगा। चलिए आंसर आ चुका है,
ध्यान से प्लस प्लस और माइनस का भी ध्यान आपको रखना है। यहां पर ध्यान दीजिए, ये एक्स की वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। सारे कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं, पावर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में है वेरिएबल्स के। उसके अलावा अल्टरनेट साइन भी है, बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा जो भी वैल्यूज दी होगी उससे एक ज्यादा, उससे एक ज्यादा, उससे एक ज्यादा, उससे एक ज्यादा। फिर मैंने क्या बोला था, एक्स का जो भी, एक्स का ये जो गुणांक है वो किस में है, प्लस में है कि माइनस में है, तो आप बोलोगे माइनस में है, तो मैंने माइनस लिख लिया। यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू जो आप एक्स की वैल्यू रखकर सॉल्व करोगे उसको रखने की जरूरत ही नहीं है, जो भी वैल्यू दी होगी वही आप रख लीजिए। माइनस 217, माइनस 200, माइनस 200, तो आंसर प्लस में नहीं आएगा भाई, आंसर किस में आएगा, आंसर आपका माइनस में आएगा, माइनस 417। काफी लोगों ने सही जवाब दिया है। हाँ देखिए, यहाँ गलती ये हो सकती है, काफी लोग माइनस 418 भी कर रहे हैं, क्योंकि वो ये वैल्यू डायरेक्ट ये रख दे रहे हैं माइनस 218। अगर माइनस 218 रखोगे तो माइनस 418 जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ मैंने क्या बोला, x का जो भी गुणांक माइनस में होगा, यहाँ पर जो भी x का मान दिया होगा वो आप रखोगे। प्लस है, यहाँ पर प्लस होता तो प्लस 217 रखता, माइनस है तो क्या रखूंगा, माइनस 217। और माइनस 200 ये ऑलरेडी था ही भाई, कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, बाकी वैसे ही ट्रीट करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो लोग प्लस में आंसर बता रहे हैं, प्लस में आंसर नहीं होगा, आंसर किस में होगा, माइनस में होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आएगा मेरी बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, तो ये आपका टाइप था जो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसमें भी बड़े काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और फिलहाल इससे टफ नहीं आएगा, ठीक है। एक पैटर्न बेस पे आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है, बाकी ये सारी चीजें हम लोगों ने कल कर ही लिया था, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। जो लोगों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है कल का, परसों का, वो सारे लेक्चर्स आप जरूर देखिए, वहां से आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए मैं आपको स्टार्ट यहाँ पर टाइम देता हूँ, 15 सेकंड का टाइम। वैसे अगर मैं बात करूँ तो ये 2 सेकंड का है क्वेश्चन, तो बताइए इसका आंसर, आप बताइए फटाफट क्या आएगा इसका आंसर। चलिए यहां पर देखिएगा ध्यान से, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या समस्या आ सकती है। आप लोग यहां पर पूरा कैलकुलेट करोगे, लेकिन यहां पर जो सबसे बेस्ट तरीका, मैं डायरेक्ट वो बताता हूं। और यहां पर अगर देखा जाए, यहां पर आपको स्पेशल केस ऑफ 9 कैलकुलेशन ट्रिक में, जैसा कि आप पता है कि कैलकुलेशन ट्रिक कितना जरूरी है, मैंने कल बताया भी, और कैलकुलेशन ट्रिक पे भी आपको वीडियो मिल सकती है, आप उसके लिए दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पर मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया है, तो आप वहां पर जाकर 9 का स्पेशल केस और उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं वो सारी चीजें मैंने बता रखी हैं। तो फिलहाल यहां पर इस क्वेश्चन को जल्दी करने का तरीका क्या होगा, आप ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर ऐसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना हो तो आप देखिए, अगर यहां पर 9 कितने अंकों में है, 3 अंकों में है, कितने अंकों में, 3 अंकों में है। वैसे देखा जाए 1 सेकंड का क्वेश्चन है, 1 सेकंड से भी कम का क्वेश्चन है, आप तुरंत देखते यहां पर आंसर बता सकते थे क्या आपका आएगा। ध्यान दीजिएगा 462 लास्ट में, यहां पर एक कम होगा तो एक बढ़ता है, कितना आएगा 998464, कितना आएगा 998464। इसका लॉजिक क्या होगा, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स 9 का अगर 3 अंकों का यहां है, 3 अंकों का यहां है, 3 अंकों का यहां है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक कम कर देना है, इधर से 99 वाले में आपको एक कम कर देना है, और जो अंश में है उसमें आपको क्या कर देना है, एक जोड़ देना है, क्या कर देना है, एक जोड़ देना है, यही हमारा आंसर होगा। बाकी तो आप मल्टीप्लाई करके, जोड़कर, सॉल्व करके आप कर ही सकते हो, और प्रैक्टिस का मतलब ही है कि कैसे आपको स्पीड यहां पर बनाना है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। अब इसी पर मान लीजिए मैं आपसे रेंडमली कुछ भी यहां पर पूछ सकता हूं इस तरीके से, ठीक है, तो आप फटाक से यहाँ पर आंसर बता सकते हैं कितना आंसर आएगा।
इसको ज़्यादा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आपका क्या है, 9999 सही में है, और फिर ये चार अंकों में दिया है। तो डायरेक्ट मैंने क्या बताया कि अगर ये चार अंकों का है, ये चार अंकों का है, मतलब नाइन का ही केस है, ध्यान रखिएगा नाइन के ही केस में ये करना है, नहीं पता चला कि हर जगह आप अप्लाई करने लगे तो गलत हो जाएगा। एक इससे कम कर देना है, एक कम कर देना है, और ऊपर वाले में क्या करना है, एक जोड़ देना है, ऊपर वाले में एक जोड़ देना है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग का सही जवाब आ रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप आराम से यहाँ पर देखते चलिए और नोट करते चलिए कि ऐसा अगर क्वेश्चन मिलेगा तो हम तुरंत उसको निपटा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर आते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है और यहाँ पर मैं आपको टाइम दे देता हूँ 15 सेकेंड का। चलिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, और इसका आंसर आप बताइए जल्दी से, ध्यान से देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए, तो आपका टाइम यहाँ पर वैसे भी ज़्यादा हो गया था, और कितने लोग का आंसर आया कमेंट करते चलिए भाई सभी लोग। चलिए देखते हैं, यहाँ पर जो मैंने आपको तरीका बताया, यहाँ पर इसमें आपका प्लस भी जुड़ चुका है, तो इसकी वैल्यू तो हम तुरंत बता सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये चार अंकों में है, हाँ ठीक है, लेकिन ऊपर की साइड एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये भी आपका चार अंकों में बनाना पड़ेगा। जैसे अगर जो लोग जल्दबाजी में अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं, एक कम करना है, ऊपर में एक जोड़ना है, जिन्होंने ये किया है वो गलत हो गए, ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने ये किया वो क्या हो गए, गलत हो गए। क्यों? क्योंकि ये तीन अंकों में है, ये चार अंकों में है, इसीलिए 257 को आपको क्या करना पड़ेगा, आगे एक जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब आप इसको लिखोगे तो तरीका तो वही था, एक जोड़ देना है। ठीक है, हमने इसको सॉल्व कर लिया है, अब क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका आपको पता ही है, यहाँ दशमलव कितने अंक के बाद लगा, 6 अंकों के बाद। ठीक है, तो अगर 6 अंकों के बाद लगा है तो कितने जीरो लग जाएंगे ऊपर नीचे, मुझे सीधी सी बात है, यहाँ 6 जीरो आपके लग जाएंगे ऊपर नीचे, हमें क्या करना पड़ेगा, एक लिखकर 6 जीरो से वहाँ लगाकर फिर हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, मतलब 10 लाख से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये आपका 1 बन जाएगा, अब हमें क्या करना है, 20 लाख ये आपको जोड़ देना है, कितने जीरो लग जाएंगे, 7। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हमारी वैल्यू जाएगी आपका, सीधी सी बात है, ये आपका कितने अंकों का है, 8 अंकों का है, ये भी आपका कितने अंकों का है, 8 अंकों का है, तो सीधी सी बात है, जो फर्क डालेगा कौन सा डालेगा, फिलहाल ये आपका इतना तो दिख ही रहा होगा, इधर से देखिए कहाँ दिख रहा है, 8520899 दिखना चाहिए, 899 देखिए आ रहा है ना, और फिर इसके बाद 9 और 2 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो हमारा आंसर जो होगा यहाँ पर क्या होगा, सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। यहाँ पर काफी लोगों के विकेट गिर चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने गलती क्या किया, यहाँ पर आपने एक जीरो नहीं लगाया, पहली गलती ये हुई, और कभी कभी इसको भी सॉल्व करने में आपको दिक्कत आ गई है, तो इसको कैसे सॉल्व करना मैंने आपको बता दिया है। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, अगर आप थोड़े से दिमाग से अगर यहाँ पर काम लेते तो आपको खुद ही यहाँ पता चल जाता, यहाँ पर हमारा 8 अंकों का नंबर आया, यहाँ भी 8 अंकों का ही आएगा, ठीक है 8 अंकों का आएगा, तो सीरीज बात है, आपको पता है कि भाई 9 और 2 क्या बनेगा, 11 बनेगा, एक ही ऑप्शन में है जो यहाँ पर 11 दिखा रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस के मोड में आएंगे तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अगर हमें 3 सेकंड 5 सेकंड भी टाइम बचाना पड़े तो हमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके ऑप्शन टेक्निक जो भी हमें है, हमारे पास अस्त्र शस्त्र हैं, उनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, टाइम को सेव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। इस टाइप का क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में कई बार पूछा गया है, और इसको आपको ध्यान समझना है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, और यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो फिलहाल एक बार मैं तो यही चाहूंगा कि आप लोग इसको ट्राई करिए और बताइए आपका आंसर यहां पर क्या आ रहा है। ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है, हो चुका है, और बताइए।
50 तक तो आज चला ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कल काफ़ी सारे क्वेश्चन करा ही दिए हैं, और अगर आप लोग स्पीड बनाएंगे तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कितनी तेज़ी से आप यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और कोई भी नया अगर क्वेश्चन बनता है तो उसको एक बार समझाने में टाइम लगेगा, फिर उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग जल्दी निपटा सकते हैं, ठीक है। चलिए, आपका टाइम यहाँ पर हो गया ख़त्म, और अब देखते हैं इन क्वेश्चंस को कैसे जल्दी सॉल्व करना है, ठीक है। पहले इसके लॉजिक पे समझते हैं, दो तरीके इसको ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और विश्वास मानिए एक बार अगर आप समझ गए तो आज के बाद ऐसे क्वेश्चन को विद इन एक सेकेंड के अंदर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले समझना बहुत जरूरी है कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक जोड़ेंगे, फिर 223 से भाग देंगे, तो अगर इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि आपका काफ़ी टाइम चला जाएगा, आंसर आएगा तो लेकिन वहां पर आप काफ़ी टाइम ले लेंगे। तो इसको जल्दी करने का तरीका क्या है, अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो टारगेट होना चाहिए नीचे का नंबर जो है, ठीक है, 223। यहाँ अगर 223 है तो समझ जाइएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है तो यहाँ पर इसके 20 का नंबर देखिए क्या है, 223 है। मतलब हमें यहाँ पर एक फार्मूला यूज करना है, और वो फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि आपको अच्छे से पता होगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, क्लियर है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, पहले आराम से आप देखते चलिए, नोट भी करते चलिए, फिर बाद में हम लोग तो स्पीड बनाएंगे ही बनाएंगे। क्या 222 को मैं 223 माइनस 1 लिख सकता हूँ? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको मैंने लिख दिया इनटू फिर लगाया। क्या 224 को मैं 223 प्लस 1 लिख सकता हूं? तो आप बोलोगे हाँ सर। तो आप ध्यान से देखिएगा, क्या 223 जो है, क्या जो 223 दिख रहा है, क्या ये ए जैसा नहीं दिख रहा है? ए है, और 1 क्या है, बी का रूप दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो आपने लिखा और नीचे फिर आपका क्या है, 223। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर बनेगा 1 प्लस, और ये बन जाएगा एक ब्रैकेट में माइनस बी, और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो आ जाएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, और नीचे कितना आया, 223 आया, नीचे 223 आया। ध्यान दीजिएगा, अब 1 से 1 ये कट गया, क्योंकि प्लस माइनस है, और सीधी बात है जब ये कट गया तो हमारा 223 दो बार दिख रहा होगा, एक बार 223 भी कट गया, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 223। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या है, डी ऑप्शन है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी आप नंबर सिस्टम पढ़ नहीं रहे हैं तो आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं जो अभी आपको बताने वाला हूँ कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन देखेंगे तुरंत आंसर, क्वेश्चन देखेंगे तुरंत आंसर, ठीक है। फिलहाल ये समझ में आया कि नहीं आया, अब मैं थोड़ा सा इसमें गहराइयों पर ले चलता हूँ इस क्वेश्चन की, कि और क्या चीजें यहाँ पर बन सकती है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसी क्वेश्चन को क्या करता, 1 + 222 × 224, ठीक है, और अपॉन में 223 का मैं क्या कर देता, स्क्वायर करता। ध्यान दीजिएगा, अगर 223 का नीचे स्क्वायर होता, जो आपने एक बार काटा है, अगर दो बार होता तो एक 223 जो ऊपर आ रहा था ये भी कट जाता, तो हमारा आंसर क्या आता, 1 आता, हमारा आंसर 1 आता। तो यहां से आपको क्या लॉजिक निकल कर आया, यहां पर दो चीजें पूछी जा सकती हैं और जो पूछी भी जाती हैं जनरली, तो यहां पर 223 जो है, मतलब नीचे वाली संख्या दो बार लिखी होती है, उस केस में अगर ऐसा फॉर्मेट दिख रहा है तो ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा 1 प्लस, मतलब ठीक ऐसा अगर दिख रहा है तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, अगर 223 दो बार नीचे लिखा होता। अगर 223 एक बार लिखा है तो यही नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो दो तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, और इसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें और यहाँ पर आप इसका देख सकते हैं सॉल्यूशन, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब मैं इस पे आगे क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ, और उस क्वेश्चन को कैसे आप जल्दी सॉल्व करेंगे देखते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, बाकी 2-3 क्वेश्चन और जो दिखेंगे उसके माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताइए, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताइए, ठीक है। चलिए 15 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूँ, वैसे तो भाई सीधी सी बात है 5 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन मैं चाहूँगा आप लोग फटाफट इसका जवाब दीजिए। चलिए,
अभी ठीक मैंने बताया। अच्छा ये बताइए 15 सेकंड का भी टाइम देना क्या मुनासिब? अगर मैं आपसे बोलूं 2 सेकंड का सिर्फ क्वेश्चन था, 2 सेकंड का क्वेश्चन कैसे था ध्यान दीजिएगा। यहां पर जो मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको लॉजिक बताया भी था, अगर 1 प्लस समथिंग करके आपको दिखता है और जो 2433 है इन दोनों नंबरों के बीच की संख्या है, किनकी संख्या है? बीच की संख्या है। और इन दोनों का जो अंतर कितने का है? 2 का अंतर है। कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। ध्यान दीजिएगा अभी थोड़ा सा एक लॉजिक और होगा, उसको भी समझाऊंगा जिससे आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी। इसीलिए एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है 38 वाला, क्योंकि उस पर एक चीज और मुझे बताना है, उसके बाद फिर इस टाइप के क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंड और जल्दी कर लेंगे, ठीक है? तो मैंने क्या बताया, अगर 2 बार ये दिख रहा है तो सीधी इस बात है हमारा आंसर 1 होगा। क्लियर, बात ही खत्म, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है? बस यहां ध्यान रखिएगा, यहां 1 प्लस समथिंग ये वाला होना चाहिए और ऐसा फॉर्मेट जरूर बनाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक है? अब मैं इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूं, तो इसका आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन, ठीक है? अब एक बार आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 को सॉल्व करेंगे, ठीक है? आप टाइम ले लीजिएगा, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर आप करिए, हाँ ये टाइम आपका यहां पर स्टार्ट होगा। चलिए 15 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूं और इस बार थोड़ा सा मैंने अंतर यहां पर पैदा कर दिया है क्वेश्चंस में, ठीक है? और देखते हैं आप लोग इसका आंसर क्या बताते हैं। देखा जाए तो ये भी क्वेश्चन भाई 1 सेकंड का है, अगर आप तुरंत देख लिए होंगे, ठीक है? देखते हैं फिलहाल आप लोग क्या दिमाग लगाते हैं, टाइम तो फिलहाल हो ही चुका है, ठीक है? चलिए बताइए जल्दी से, टाइम कब फिनिश हो जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है, और ऐसी स्पीड बनानी है, ठीक है? हाँ देखिए बहुत सही, काफी लोग का आंसर आ रहा है। देखिए इसका जो लॉजिक था, इसका लॉजिक आसान था, मतलब आप को कुछ भी नहीं आता, मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फार्मूला नहीं आता तो हम देखकर तुरंत बता सकते थे। कैसे समझिएगा, ये माइनस में है ये भी माइनस में है तो सीधी इस बात है कभी तो भाई जीरो तो होगा ही नहीं। क्या जीरो होगा? क्या जीरो बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसका मतलब सीधी इस बात है जब माइनस बाहर लोगे तभी तो वन प्लस समथिंग कुछ करके बनेगा, जो भी बनेगा मतलब ऐसा ही कुछ फॉर्मेट बनेगा। तो सीधी इस बात है एक ही ऑप्शन हमारा माइनस में है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। एक तो ये हो गया लॉजिक जो आराम से आप कर सकते थे। अब समझते हैं, अभी तक आपने जो फॉर्मेट देखा था ऊपर की साइड आपने देखा था वन प्लस समथिंग करके देखा था, और यहां वाले जो नंबर रहते थे मान लीजिए जहां पर m इंटू एन जो रहता था इनके बीच का जो अंतर रहता था कितने का रहता था? 2 रहता था, और इसके ठीक बीच वाली जो संख्या होती थी वो नीचे होती थी, कुछ ऐसा पता है ना। आप इसी फॉर्मेट को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप क्या करिए माइनस को कॉमन ले लीजिए तो यहां 25 बचेगा और प्लस, और ये बनेगा क्या, ये नंबर बनेगा। अब इनके बीच का जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है? अब 2 का अंतर नहीं आ रहा है, अब कितने का अंतर आ रहा है ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर ये कितने का अंतर आ रहा है? 10 का अंतर आ रहा है, 10 का अंतर आ रहा है। और नीचे वाला जो नंबर होगा ठीक इसके बीच वाला जो संख्या होगा 56 और 66 के जो बीच की संख्या होगी वो क्या होगी? अब बताइए भाई 61 में अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो 66 आएगा, और 61 में अगर मैं 5 घटाऊंगा क्या आएगा? 4256 आएगा। तो अब आखिर ये लॉजिक कैसे बना, समझिएगा ध्यान से। जब बीच में गैप आपका 2 का था, ध्यान दीजिएगा जब 2 का गैप था तो मैंने क्या किया, 2 का आधा कर दिया, जो भी आया उसका आधा कर दिया, और उसी का स्क्वायर मैंने यहां रखा था, जो याद होगा यहां पर 1 आया था, इसीलिए वहां पर 1 का फॉर्मेट बनता है जब 2 का गैप होता है। क्लियर है? अब अगर ध्यान दीजिएगा, अगर आपका यहां पर 4 का गैप होता, क्या होता, 4 का गैप होता तो मैं 4 लिखकर आधा करता, कितना आता, 2, तो मैं यहां लिखता क्या, 2 का स्क्वायर, मैं क्या लिखता तब, 4 लिखता। मेरे ख्याल से अब मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब यहां पर जो अंतर आ रहा है कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, 10 का आधा करिए, कितना आएगा, 10 का आधा करिए आपका 5 आएगा, और 5 आएगा, और ये 5 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे। बात समझ में नहीं आई? और सीधी बात है अगर नीचे की साइड इसका जो बीच वाली संख्या है ये 2 बार है तो हमारा आंसर तो 1 ही आना चाहिए था, लेकिन यहां मैंने माइनस भी लगा कर दे दिया था, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। बात समझ में नहीं आई? तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, बाकी आप पूरा डिटेल में भी सॉल्व करो, ऐसे ही फॉर्मेट अगर कुछ दिखेगा तो आप बना सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट आप जरूर करिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ा जाए।
आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे समझ लीजिए, यहां पर अगर 12 का गैप होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां अगर 12 का गैप होगा और मुझे क्वेश्चन बनाना होगा तो सभी लोग, आप सभी लोग भी क्वेश्चन बना सकते हैं भाई। यहां का अगर 12 का गैप होगा तो मैं 12 का लिखूंगा, 12 का आधा करूंगा कितना आएगा 6, इसका मतलब 6 का स्क्वायर 36। अगर मुझे फॉरवर्ड बनाना होगा तो मैं लिखूंगा 36 प्लस कुछ भी लिख दिया 512 गुणे 12 का अंतर कितना आएगा 524, और बटे इसके बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, यहां ध्यान दीजिएगा 500, मान लीजिए अगर मैं देखूं तो हाँ 518 से अगर देखूं, 18 ये 6 24 होगा, 18 में से 6 घटाऊंगा कितना आएगा 12, तो इसके बीच वाली संख्या क्या बन जाएगी, ये वाली बन जाएगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से आप क्वेश्चन का फॉर्मेट बना सकते हैं, ठीक है। और उस केस में फिलहाल जो भी हो, हमारा आंसर यहाँ पर दो ही चीज पॉसिबिलिटी है, या तो 1 माइनस लगा दिया तो -1, नहीं तो जो नीचे वाला नंबर होगा या तो वही आंसर होगा। अगर मैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर 42-61 की जगह माइनस की जगह अगर मैं सभी जगह प्लस कर देता, ध्यान दीजिएगा सभी जगह अगर प्लस कर देता और 1 42-61 यहाँ से हटा देता, उस केस में जानते हैं हमारा आंसर क्या होता, उस केस में हमारा आंसर 42-61 हो जाता। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तो लगभग आपका क्वेश्चन नंबर 38-39 तो अभी हम लोग कर ही लिए थे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर, 40 भी हम लोग कल कर चुके थे, याद ही होगा आपको। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए, अभी मैंने आपको जस्ट बताया भी है, इस क्वेश्चन का फिर जल्दी से जवाब दीजिए। इसमें आपको मैं 15 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना ये 5 सेकेंड का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। जैसा कि आप सभी को पता है भाई, चैनल का नाम भी आपको पता होना चाहिए, तैयारी डिजिटल क्लासेस, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, TDC ऑफिशियल, ठीक है। इसका PDF भी आपको वहां पर मिल जाएगा, सारे ग्रुप्स में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर आप जुड़ सकते हैं। और भी बहुत सारे अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो नीचे आपकी जो पट्टी चल रही है ब्लू कलर में, आप उसको पढ़कर वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और उसका फायदा ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसका जवाब मेरे ख्याल से आपका आ चुका होगा, इसका आंसर क्या होगा, जो शुरुआत से अगर जुड़े होंगे इसका आंसर बता रहे हैं काफी लोग, -41 सी ऑप्शन काफी लोग बता रहे हैं। भाई सीधी बात है, मैंने क्या बताया, इस बार माइनस से स्टार्ट कर दिया, मैंने बोला भी था अल्टरनेट साइन, ठीक है, अल्टरनेट साइन है। तो आप दो काम कर सकते हैं यहां पर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हमारा आंसर आने वाला है, क्योंकि सारे ही ऑप्शन माइनस में है, तो आप देखेंगे ध्यान से, अल्टरनेट साइन है, हाँ ठीक है, पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये भी ठीक है, 36 से एक ज़्यादा है ये भी सही है, ठीक है। मैंने क्या बोला, एक्स का जो भी गुणांक है, एक्स का जो भी गुणांक है उसको लिख लीजिए, माइनस में है तो हमारा आंसर ये माइनस में रहेगा, इसकी वैल्यू कितनी आई 36, -36 -5 कितना आएगा -41। ये पेन भी चलाने की जरूरत नहीं थी, इनफैक्ट ये क्वेश्चन आप मुझवानी देख कर ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी हम लोग कर ही लिए थे। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पर, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं, और कैसे इसको जल्दी सॉल्व करना है ध्यान से देखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है और हर बार कई तरीके से इसका रूप बदलकर एग्जाम में पूछा गया, और ऐसे ही क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, कम से कम 3 से 4 बार सफलिंग करके भी क्वेश्चन पूछा गया। तो फिलहाल इसका जवाब आप दीजिए, देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं, बाकी जो नहीं बता पाएंगे भाई वो टेंशन ना लें, जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं आप विद इन 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर बता सकते हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता वो भी जवाब दे सकते हैं, बस ध्यान से मेरी बातों को सुनते चलें। चलिए तो अब इसके लॉजिक पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें क्या दिख रहा है आपको, यहां पर जो आपकी छोटी वैल्यूज है, सबसे बड़ी वैल्यूज क्या दिख रही है, ये वाली सबसे बड़ी वैल्यूज आपको ये वाली दिख रही है, ठीक है, और छोटी वैल्यूज क्या दिख रही है, छोटी वाली अगर वैल्यू की बात करेंगे तो √5 दिख रही है, ठीक है।
तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे आपको जल्दी सॉल्व करना है उस पे हम लोग काम करते हैं। तो कैसे जल्दी करना, ध्यान दीजिएगा, इसका लॉजिकल बेस पे अगर आप ध्यान से देखें, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, परमेयीकरण करते हैं। क्या करते हैं? परमेयीकरण करते हैं। तो परमेयीकरण कैसे करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, रूट नाइन प्लस रूट एट हो जाएगा। नीचे की साइड तो हमेशा भाई एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी आएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा, नीचे तो एक ही बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सभी जगह परमेयीकरण करेंगे, तो रूट एट प्लस रूट से बनाएगा, लेकिन माइनस के कारण क्या हो जाएगा, दोनों का साइन चेंज होगा। पहले आप इस तरीके से देखिए तभी, क्योंकि यहीं से आपका रिजल्ट निकल कर आएगा, ठीक है। और ये आपका बनेगा रूट सेवन प्लस रूट सिक्स, और ये बन जाएगा माइनस रूट सिक्स माइनस रूट फाइव। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। अभी आप देख रहे हैं यहां पर माइनस साइन लगा हुआ है, इन सभी के बीच का जो अंतर है ये भी आप ध्यान दीजिएगा समान है, ठीक है। यहां पर माइनस साइन लगा हुआ है, तो अगर आप ध्यान से देखें यहां पर ये कट रहा है, ये कट रहा है, और काटने में कितना मजा आता है आपको भी पता है ना, लगता है कि भाई अब आंसर तो आ ही चुका है। तो रूट नाइन को हम तीन लिखेंगे और थ्री माइनस क्या आ गया, रूट फाइव, यही हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन। क्या आएगा, ए ऑप्शन। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आया होगा मेरी बात, थ्री माइनस रूट फाइव। अब बात आती है स्पीड की। अब आप बोलेंगे सर ये यही तो, ये भी तो स्पीड ही बन रही है, लेकिन इससे भी अगर फास्ट हो सके तो क्या मतलब, मतलब भाई और फायदा है, इससे भी जल्दी हो जाए तो और उससे अच्छा क्या होगा, सोने पे सुहागा है। देखिए कैसे करना है, सबसे पहले इसके फॉर्मेट को समझना पड़ेगा, और सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो फालतू में आप टाइम वेस्ट करते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन चल रहा है, अब देखिएगा इसका सोल्यूशन क्या मैं बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि पहला काम होगा इनके जो डिफरेंस है, सभी जगह सेम है, एक एक का डिफरेंस है, माइनस साइन लगा हुआ है, और साइन भी अगर आप ध्यान से देखें तो अल्टरनेट साइन है, प्लस माइनस मतलब ऐसा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहां पर जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप क्या करिए, जो सबसे बड़ा आपको रूट में दिख रहा है सबसे पहले उसको लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, सबसे पहले उसको लिख लीजिए। उसके बाद यहां पर जब आप देखेंगे, यहां पर जो साइन होगा इस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा। अगर यहां माइनस साइन लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा नीचे की साइड तो माइनस लगा ही होगा, ये सब माइनस में ही होगा, दो चीजें, क्योंकि अगर प्लस होगा तो अंतर आएगा। अगर जो लास्ट में जहां पर आपका छोटी संख्या दिख रही है रूट फाइव वाली, भाई छोटी यही है ना, तो हमने क्या बोला, सबसे बड़ा लिख दिया और सबसे छोटा लिख दिया। अब दो बात आती है कि यहां पर प्लस साइन आएगा कि माइनस साइन आएगा, वो डिसाइड होगा कैसे, मैं एक बार में आपको बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा, क्योंकि इसी बात को समझने में आपको काफी टाइम लग जाएगा, इनफैक्ट आप वो सोच भी नहीं पाएंगे। अगर यहां पर माइनस साइन का ही फॉर्मेट चल रहा है, क्योंकि यहां पर देखिए अल्टरनेट साइन है, प्लस माइनस प्लस भी आ सकता है, प्लस पे भी खत्म कर सकता है। अगर यहां पर माइनस साइन है, ठीक है, अगर यहां माइनस साइन है तो सीरियस बात है यहां भी माइनस साइन होगा। अगर यहां प्लस साइन होता तो मैं यहां क्या लगा देता, प्लस साइन। बड़ा छोटा लिखना है, फिर आपको बस यहां से डिसाइड करना है बीच में साइन क्या आएगा। तो यहां माइनस था तो माइनस साइन लगा दिया, आंसर क्या आया भाई, थ्री माइनस रूट फाइव। बताइए कितना टाइम लगता, दो सेकंड में आप कर सकते थे, दो सेकंड में ही कर सकते थे, ठीक है। चलिए अब आप देखते हैं, अब स्पीड आप खुद ही देखिएगा आपकी क्या जबरदस्त स्पीड बनने वाली है। पहले माइनस वाला ही केस ले लेते हैं, ये तो फिलहाल प्लस वाला है, ये देखिए ये माइनस वाला केस है ना भाई, पहले माइनस वाला केस देख लेते हैं फिर प्लस वाला देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 तक आ चुके हैं, इसके पहले भी कुछ क्वेश्चन है उनको देख लिया जाएगा। तो लेक्चर नंबर आपका 3 चल रहा है और हम लोग टाइप वाइज सारी चीजें पढ़ते चल रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है और इसीलिए आपको इसको जरूर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको इम्पॉर्टेंट सारी चीज़ें नोट करनी चाहिए, और जो भी आपके दोस्त यार हैं उनको भी जरूर बताना चाहिए कि वो भी इस क्लास को देखें और अपनी प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो इसका टाइमर तो मैंने लगाया ही नहीं, चलिए आप बताइए इसका टाइम स्टार्ट होता है अब इस क्वेश्चन का, और आप बताइए कितना होगा, ठीक है। फिलहाल अगर मैं आपसे बोलूं तो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में, ठीक है। तो 2 से 3 सेकंड के अंदर ही आप इसका आंसर दे सकते हैं। हाँ देखिए काफ़ी जल्दी से आंसर आ चुका है और काफ़ी लोग मेरी बात समझ चुके हैं, ठीक है। कितनी जल्दी आएगा आप देखिए, फॉर्मेट वही है ना, अल्टरनेट साइन प्लस माइनस मतलब ये डैश डैश है, इसका मतलब प्लस माइनस। अब कुछ नहीं करना है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, रूट हंड्रेड का वर्गमूल लूंगा 10, छोटी वैल्यू क्या है 1,
रूट वन का भाई वन ही होगा। अब बीच में या तो माइनस होगा या तो प्लस होगा, आंसर या तो 9 होगा या तो 11 होगा, फिलहाल ये नहीं होगा ये नहीं होगा। लेकिन बात तो ये है ना कि प्लस माइनस को ही तो समझना है। अभी आप माइनस किए थे और मैंने बोला था ना डिपेंड करेगा जो छोटी संख्या है इधर वाला साइन क्या है, और ये प्लस है तो सीरियस बात है ये आपका प्लस होगा, तो 10 प्लस 1 क्या होगा 11। हमने कुछ भी ना परमेयीकरण किया, हमने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। और ये सब कैसे आता है, ये सब बेसिक से ही आता है। आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं इसीलिए मैं बेसिक पे ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस बात को सीखिए आप अच्छे से। तो आंसर क्या आएगा 11 आएगा, काफ़ी लोगों ने सही जवाब बताया है, ठीक है। चलिए अब प्लस वाले पास आते हैं। इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए इसका आंसर क्या आएगा। पहले आप ट्राई करिए और आपका टाइम स्टार्ट, फिलहाल मैंने ये बंद नहीं किया था, आपका टाइम स्टार्ट फिर से मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ और इसका जवाब दीजिए। इस बार थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप सही कर लेंगे। माइनस नहीं होगा भाई, प्लस होगा, 10 प्लस 1 होगा, इसीलिए ध्यान से मेरी बात सुनते चलिए। ठीक है, इसको जल्दी साफ करिए सॉल्व। चलिए काफ़ी लोग का आ रहा है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आ रहा है। चलिए चेक करते हैं भाई बी आ रहा है क्या आ रहा है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर भी अगर आप फॉर्मेट ध्यान से देखें, बड़ा आसान तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। सारा जगह प्लस है, यहाँ पर साइन गैप जो कितने का है 1-1 का गैप है, ध्यान दीजिएगा। जहाँ पर खत्म होता है वहीं से स्टार्ट होना, मतलब यहाँ पर खत्म हुआ फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, 5 पे खत्म हुआ 5 पे स्टार्ट हुआ। पैटर्न नोट करिएगा भाई, पूरा आपका सिंप्लीफिकेशन कहीं ना कहीं पैटर्न बेस पे ही है, ठीक है, पैटर्न को फॉलो करिए। अब आपको यहां पता लगाना है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा लिख लीजिए और सबसे छोटा लिख लीजिए। सबसे छोटा कहां पर है भाई, रूट थ्री, ठीक है। अब बीच में अगर प्लस वाला केस है तो बस यहां लगा दीजिएगा माइनस साइन, तो आंसर आएगा 3 - √3। क्या आएगा 3 - √3, सी ऑप्शन आपका यहां पर सही जवाब होगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, 3 प्लस नहीं होगा, सी ऑप्शन होगा। कैसे होगा चलिए एक बार देख लेते हैं, आप खुद ही ध्यान से देखिएगा। जब इसका आप साइन चेंज करेंगे, ठीक है, जब आप साइन चेंज करोगे तो ये माइनस में आएगा, सीरियस बात है माइनस में आएगा। और वहां पर आप खुद बताओ, अगर मैं छोटी संख्या ये है तो मैं बड़ी संख्या ऐसे लिख दूं, छोटी संख्या √4 + √3 लिख सकता हूं, पर मैं ही करण जब करूंगा तो √4 - √3 आएगा, √4 - √3 आएगा। और जो भी चीज यहां पर दो बार दिख रही, देखिए ये दो बार है तो ये सारी संख्या कट रही होंगी, ये सारी संख्या कट रही होंगी जब ऊपर जाएंगी, ठीक है। और बचेगा क्या, √9 + में बचेगा, जब ऊपर जाएगा ना √9 + में बचेगा। और ये जब परमेयीकरण करूंगा √4 + √3 का तो √4 - √3 आएगा, तो हमारा क्या बचेगा √9 - √3, तो हमारा आंसर क्या आएगा सी ऑप्शन। आप चाहें तो इसको डिटेल में सॉल्व करिएगा और बताइएगा आपका आंसर यहां पर क्या आ रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो बी ऑप्शन जो लोग जवाब दे रहे हैं ये गलत जवाब है, ये गलत जवाब है, ठीक है। चलिए इस पे एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन और था, हाँ इसी टाइप पर है। अब मेरे ख्याल से इसको आप 15 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, बताइए फटाफट इसका आंसर जल्दी से। वैसा ही क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है और तुरंत देख कर आपको बताना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है यहाँ पर, परमेयीकरण भी नहीं करना है, बस वॉच करना है, देखना है जो मैंने आपको बताया है, कैसे आपको करना है जल्दी बताइए फटाफट, तुरंत आपका आंसर आना चाहिए। यही तो देखिए भाई सही सीधी बात है, यही तो आपको करना है कि हमें अपनी स्पीड बनानी है और प्रैक्टिस करते चलना है, ठीक है। तो चलिए यहां पर उम्मीद करता हूं आपका आंसर आ चुका होगा।
चलिए काफी लोग बता भी रहे हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया, सबसे बड़ा नंबर यहाँ क्या दिख रहा है, रूट 6.25। इसका वर्गमूल, वर्गमूल सभी को आना चाहिए, 625 का वर्गमूल होता है 25, लेकिन दशमलव लगाए दो अंकों के बाद तो हमारा आएगा 2.5। फिर माइनस करते हैं, प्लस वाले में क्या करते हैं माइनस, छोटा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर आपका 225 है, 225 का वर्गमूल क्या होता है 15, और लेकिन पॉइंट लगा हुआ है तो क्या होगा 1.5, इसका डिफरेंस कितना आएगा, इसका डिफरेंस आएगा 1, तो आंसर क्या आएगा 1.00, आंसर आएगा आपका ए ऑप्शन 1.00। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, कमेंट करते चलिए, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और सीधी सी बात है, कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हैं अगर मजा नहीं आएगा तो बेकार है, ठीक है। आपको इंटरेस्ट लाना पड़ेगा, मैथ जिसका वीक भी है वो भी अगर आप ध्यान से मेरी क्लास देखते चलें तो आप प्रैक्टिस में ही इतना एंजॉय करेंगे कि आगे चलकर फिर जब आप डिटेल में करेंगे तो वहां पर भी आपको मजा आएगा, यहाँ पे तो मजा आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये सारा क्वेश्चन हमने कर ही लिया था, अब आते हैं 47, ठीक है। 47 से पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, 48 नंबर, वैसा ही क्वेश्चन है। अब आपको स्पीड बनाना है, फटाफट स्पीड बनाइए, यहां पर आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ये सारे क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, टाइम अब यहां पर भाई सीधी बात है, यहां पर देखिए एग्जामिनर ने क्या किया, यहां पर एग्जामिनर ने क्या किया, जो बड़ी वाली संख्या तो इधर भेज दिया, इसको इधर कर दिया है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था, ठीक वैसे ही क्वेश्चन था, अब फिर एक बार और पूछ लिया ये, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला था, अगर आपका नीचे की साइन माइनस है, सबसे छोटी संख्या कहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से, तो आप देख रहे हैं अल्टरनेट साइन दिख रहा है, इसका टाइप आपको अच्छे से पता है। तो मैंने क्या बोला था, सबसे बड़ा दिखिए लिख लीजिए, सबसे छोटा लिख लीजिए, बड़ा छोटा लिख लिया। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने क्या बोला था, यहां पर जो आपका नंबर होगा, बड़ा और छोटा आपने लिख लिया, फिर मैंने बोला था अगर ये प्लस है भाई, जहां पर भी छोटा वाला नंबर है, अगर ये प्लस है तो यहां प्लस लगा देना है, अगर यहां आपका माइनस होता तो मैं यहां क्या लगा देता, माइनस लगा देता। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, इस बात का ध्यान रखना है। तो रूट 9 का वर्गमूल यहां पर कितना जाएगा, 3 + 2, आंसर कितना आएगा 5। क्या ये भी लिखने की जरूरत है क्या, ये तो बस मैं आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूं, ये सब तो आप माइंड में ही कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस का क्या हो रहा है कि आपको यहां पर दो चीजों का फायदा हो रहा है, जो मैं बार बार बोलता हूं, हर क्लास में बोलता हूं, आपको हमारे यहां लेक्चर से क्या मिल रहा है, एक्यूरेसी मिल रही है। सबसे बड़ी बात कि हम लोग क्वेश्चन जल्दी लगाने की कोशिश करते हैं और जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं, लेकिन यहां पर आप देख रहे होंगे आपकी स्पीड तो लगातार बनी रही है, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि आपकी एक्यूरेसी भी मैं मेंटेन करते चल रहा हूं, कि आप हर बार जब क्वेश्चन लगाएंगे तो एक्यूरेसी के साथ साथ आपकी स्पीड भी बनती जा रही होगी। और सीधी बात है, अगर मैथ्स का सेक्शन आपको काफी अच्छा स्कोर करना है, विद इन टाइम करना है, तो ये दोनों की जरूरत पड़ेगी। और यहां पर अगर आपने इन दोनों पर काम कर लिया, और उसके लिए मैंने आपको बताया भी था कैलकुलेशन ट्रिक, बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम करके आप अपना वो अचीव कर सकते हैं, वो लेवल जहां पर आप कि प्लस माइनस की गलतियां नहीं होंगी, आपकी स्पीड लगातार बनती जाएंगी, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा आंसर आएगा क्या आएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। इस पे आपको खास तौर से फोकस करना होगा, खास तौर से जिनका बेस वीक है, ठीक है, अपने एक्यूरेसी को मेंटेन करिए, प्लस माइनस की गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक। देखिए अब वही क्वेश्चन फिर से पूछ लिया गया, ठीक है। चलिए जल्दी से फटाफट बताइए इसका आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 49, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
चलिए तो यहां पर देखिएगा इसका आंसर क्या रहा है, सभी लोगों ने किया होगा आंसर, ठीक है। देखिए वैसा ही है, लेकिन इस बार अगर आप ध्यान से देखें जो रूट नाइन आपको दिख रहा था, रूट नाइन को क्या कर दिया है, रूट नाइन को बाहर निकाल दिया है, रूट चार को भी बाहर निकाल दिया है, तो आंसर अभी भी क्या रहेगा, पांच ही रहेगा भाई, आंसर क्या रहेगा, पांच ही रहेगा, 3, 2, 5, सही है। चलिए हाँ, ये आपका लगभग हो चुका है, लगभग सारी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। ये क्वेश्चन और था, एक और कर लीजिए आप, ठीक है। चलिए तो आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है, अब बताइएगा क्या आएगा, फिर से वैसा ही क्वेश्चन। लगभग हम लोग 50 क्वेश्चन टच कर भी कर गए हैं, कल से फिर हम लोग क्या करेंगे, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भाई, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखिए प्लस अल्टरनेट साइन है, अब यहां थोड़ा अगर ध्यान से देखें, एक देखिए तीन क्वेश्चन इस टाइप के थे, तीनों ही क्वेश्चन का आंसर सेम था, मतलब इसका भी आंसर क्या होगा, पांच, और ये तीनों ही क्वेश्चन अलग अलग ईयर में, वर्ष में, एग्जाम में पूछा गया एसएससी में, ठीक है। दोनों में, तीनों क्वेश्चन में अंतर क्या रहा, अगर मैं स्टार्ट करूं पहले वाले क्वेश्चन से, वहां पर आपका ये वाला जो था रूट फाइव माइनस रूट फोर इधर था, और यहां पर था आपका रूट नाइन, ना रूट नाइन माइनस रूट एट था पहले क्वेश्चन में, फिर दूसरी बार जब क्वेश्चन पूछा गया रूट नाइन और रूट फोर को वर्गमूल से बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसका जब क्वेश्चन पूछा गया तो एग्जामिनर ने क्या करा, इसको सफलिंग कर दिया, मतलब सफल कर दिया, मतलब जो रूट फाइव माइनस रूट टू टू वाला था जो यहां पर था लास्ट में, और ये वाला जो पहले था, इसको क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, मतलब सफलिंग कर दिया। तो कुछ भी करे भाई, सफल करे या कुछ भी करे, अगर तरीका आपको समझ में आ गया तो बड़े आसानी के साथ कर सकते थे। क्या करूंगा, पहले तो आप ध्यान से देखेंगे, सभी में नीचे की साइड आपका माइनस वाला सिंबल दिख रहा है, तो इसमें जो गैप बनेगा वो कितने का बनेगा, वन का, सभी में गैप है, हाँ बिल्कुल सही है। सभी में ध्यान दीजिएगा कि जहां पे खत्म होता वहां से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब वो नंबर्स होने चाहिए, फिलहाल वो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। अब यहां पर क्या करना होगा, सबसे अल्टरनेट साइन भी मिल गया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कौन सा है, तीन। अब आप बोलेंगे सर आठ सबसे बड़ा है, एक्चुअली ये वर्गमूल के अंदर है, इस तीन को हम लिख सकते हैं रूट नाइन, क्या लिख सकते हैं, रूट नाइन। तो मैंने क्या बोला था, सबसे बड़ा लिख लिया, सबसे छोटा कहां पर आ गया, यहां पर। अब यही फंसाने की कोशिश किया एग्जामिनर ने, यही फंसाने की कोशिश किया, ये रूट, ये टू को क्या लिख सकता हूं, रूट चार। तो मैंने क्या बोला, सबसे बड़ा और सबसे छोटा लिख लो, और इसके पहले वाला जो भी सिंबल होगा यहां पर प्लस में है तो प्लस लिख दो, माइनस होता तो माइनस लिख देता, आंसर क्या आएगा, पांच। बात समझ में आई, उम्मीद करता हूं कि और भी बड़ा अगर नंबर होगा तो इसी तरीके से आप उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक हंड्रेड वाला था ना, डैश डैश करके वहां पर था पूरा, आपने लिख दिया था, और 10 और 1 11 आंसर आ गया था, ठीक है। तो आपको लेक्चर कैसा लगा जरूर आप कमेंट करें, उम्मीद करता हूं कि अभी तक जो तीन लेक्चर्स हुए हैं आपको यहां से बहुत कुछ सीखने को मौका मिला होगा, और आगे भी जरूर मिलेगा। अब कल की क्लास तो और इंटरेस्टिंग होने वाली है, हर टाइप हम लोग सीधे सीधे कंप्लीट करते चल रहे हैं, तो आप इसको इंजॉय करिए, अच्छे से पढ़ते चलिए, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर वाइज सारी चीज़ें चल ही रही हैं, ठीक है। तो आज का सेशन फिलहाल यहीं पर फिनिश करेंगे हम लोग, और कल फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग यहां पर आगे चलते चलेंगे, ठीक है। बाकी बाकी ध्यान दीजिएगा, जो आपका प्रैक्टिस बैच चल रहा है, ये आपका टाइमिंग आप सभी को पता होना चाहिए, 5:30 बजे आपका मैथ्स की प्रैक्टिस चलती है, उसके अलावा मॉर्निंग में ठीक कल विकास सर आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस बैच लेकर आएंगे, जहां पर आपका टेंसेस पर आपका क्लास चल रहा है, ठीक है, उसकी टाइमिंग आपको पता होनी चाहिए 8 बजे मॉर्निंग में। और 9:30 बजे आपका अनुराग सर जीएस में आपका हिस्ट्री की पूरी प्रैक्टिस करा रहे हैं, और ऐसे ही धीरे धीरे सारी प्रैक्टिस चलती रहेंगी, और आपको वहां पर मजा आता रहेगा, और आपका पूरा सब्जेक्ट, मतलब पूरा चैप्टर वाइज पूरा आपका रिवाइज होता चलेगा। तो जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तैयारी कोचिंग पे, अगर आप फेसबुक पे पेज पे देख रहे हैं,
तो वहाँ पर आप पेज को फॉलो, मतलब अगर पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए हमें, और वहाँ पर जब भी हम लोग लाइव आएंगे तो आपको भी पता चलेगा, ठीक है। उसके अलावा जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं वहाँ पर भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको इसका भी नोटिफिकेशन मिले जब भी हम लोग लाइव आएँ। फिलहाल आप टाइम टेबल ध्यान रखिए, कोई भी चैप्टर अगर आपका छूटा हुआ है, जो लोग आज पहली बार देख रहे थे हमें, आप पुराने लेक्चर्स को भी जाकर देख सकते हैं तैयारी डिजिटल क्लासेस पे, ठीक है। तो कल इसी टाइम पर हम लोग मिलेंगे 5:30 बजे मैथ्स के प्रैक्टिस बैच में, लेकिन उसके पहले आप ठीक 8 बजे ज्वाइन करना ना भूलिएगा इंग्लिश की प्रैक्टिस बैच में, ठीक है, विकास सर के साथ, ठीक है। आज का सेशन ये फिनिश कर रहे हैं, थैंक यू, धन्यवाद। और सेशन कैसा लगा जरूर आप कमेंट करेंगे।